और अगर हम मुंबई की बात करें तो 100 से ज्यादा कोरोना मरीजों के अचानक गायब होने की खबर थी। इस पर पहली बार बीएमसी का जवाब आया है। इंडिया टीवी संवाददाता राजीव सिंह ने बीएमसी के एडिशनल कमिश्नर सुरेश ककानी से बात की, आप भी सुनिए। कुछ देरी हुई थी, उसके कारण दो थे। एक तो उन्होंने जो अपने पते दिए थे, जो एड्रेसेस दिए थे, उसमें कुछ खामियां थी, वो कुछ ठीक नहीं पहुंच पाए। और उसमें कुछ जो मोबाइल नंबर थे, कुछ केसेस में जो मोबाइल नंबर भी ठीक नहीं थे या तो फिर वो बंद पाए गए थे, तो उनके खोजने में हमको देरी हुई थी। लेकिन हमने दूसरी सोर्सेज जैसे है, जैसे महानगर पालिका में प्रॉपर्टी टैक्स का रजिस्टर रहता है, तो उसमें हर एक आदमी की जो प्रॉपर्टी है उसके नाम मिल सकता है। या दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वोटर्स लिस्ट, मतदार यादी भी बनी है, वो भी ऑनलाइन अवेलेबल है, आप किसी का भी नाम खोजो तो आपको मिल जाता है। तो उसके हमने माध्यम से खोज निकाला है। और ये 100 के 100 लोग हमने हमारे या तो क्वारंटाइन में लाकर उनको दाखिल करा दिया है, या तो अस्पताल में भी हमने दाखिल करा दिया है। आज एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो घूम रहा है, तो जो हमारे नेट में नहीं आया है। इस बीच दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर से बड़ी खबर आ रही है, ब्रेक के बाद आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। उसके अलावा महाराष्ट्र सहित दूसरे स्टेट से लॉकडाउन की ऐसी तस्वीरें जिन्हें देखकर आप रो पड़ेंगे।